नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 8 नवंबर ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन है। आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं, जिनका आज के दिन बर्थडे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से और हमारी टीम की ओर से। आज है 8 नवंबर और आज चंद्र ग्रहण है, तो ध्यान रखिएगा, सब लोग प्रिकॉशंस ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जो है इसका सूतक जो है आरंभ हो चुका होगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण का काफ़ी प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि एक ही पक्ष के अंदर, वो भी 15 दिन के अंदर, अगर कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण एक साथ आसपास की अवधि में पड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक एक प्रभाव डालते हैं। कई तरह के नुकसान, कई तरह की आशंकाएं को, किस तरह के तनाव को ये बढ़ावा देते हैं। इस तरीके की जो जब जब घटनाएं घटी हैं, तब तब कुछ ना कुछ बड़ी ही समस्याएं हुई हैं, लेकिन हम और आप कुछ मिलकर के ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे उसकी नकारात्मक नेगेटिविटी, जितनी नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। वो ऐसे, जब हम आपके आसपास का, जब हम अपने आसपास के किसी भी सिचुएशंस के ओरे को क्लीन करते हैं, या फिर वातावरण अपना शुद्ध करते हैं या शुभ रखते हैं, उसके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होने देते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में, आपके जीवन में पड़ता है। अच्छा सोचना है, भक्ति भाव रखना है, मंत्र चैंट करने हैं, भगवान का नाम लेना है और अपने इर्द गिर्द के पूरे वातावरण को शुद्ध और शुभ रखने के प्रयास करना है। इन चीज़ों को जब हम करते हैं, तामसिक चीज़ें इस समय इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, यानी कोई भी नशा, नशीली पदार्थ, नॉन वेजिटेरियन, ये चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान तो कुछ खाया पिया नहीं जाता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को मानने का प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं। जब जब हम इस तरीके की ऑरा को क्रिएट करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। वैसे भी ये ग्रहण अच्छे नहीं है, तो हमें इस समय थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। उपाय हम बताएंगे कि खास करके कि दान किस तरीके का करना चाहिए। जिनका बर्थडे है उन्हें तो आज के दिन लाल दाल का दान करना है, गुड़ का दान करना है, क्योंकि ये आपके बर्थडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टिप, ये आपको एक उपाय बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम ग्रहण की बात करते हैं, तो आज के दिन चावल का दान करना, आटे का दान करना, चांदी का एक टुकड़ा दान करना, यानी कुछ ऐसी चीज़ों का दान करना उत्तम माना जाता है। तो ये दोनों तरीके के दान जो हैं, आज आप लोग, सब लोग भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ और लाल दाल का दान जो है, जिनका आज के दिन बर्थडे है उन्हें ही करना है। लेकिन ये दान आपको ग्रहण समाप्ति के बाद करना है, यानी आज आपने रख लेना है, मन के अंदर विचार कर लेना कि हमें ये दान करना है, ये दान की सामग्री है, ये है, तो उसे अलग करके रख लीजिएगा। 8 बजे से पहले पहले आप रख लीजिएगा, उसके बाद अगली सुबह, नेक्स्ट डे 9 तारीख को आप इसका दान कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रहण का दान होता है, वो रात्रि में ही भी आप निकाल सकते हैं, दिन में भी निकाल सकते हैं, शाम को भी निकाल सकते हैं, संध्या के समय भी निकाल सकते हैं। तो ग्रहण का दान किसी भी समय निकाला जा सकता है, बट या तो आप अभी अभी सुबह जाकर के दान कर सकते हैं। बर्थडे के जितने भी लोग हैं, आपने इन्जॉय कीजिए, बर्थडे इन्जॉय कीजिए, लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि ग्रहण है आज, जितना तामसिक चीज़ों से आप दूर रह सकें, उतना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। अब आती है बात कि ग्रहण है तो आपको थोड़ा सा बचना है, संभलना है, लेकिन गोचर ट्रांजिट को ज़रूर समझिएगा। सूर्य रहेंगे आज तुला राशि में, 22 डिग्री के हैं, नीच के हैं, शुक्र के साथ हैं, अस्त शुक्र के साथ और केतु के साथ रहेंगे और बुध भी वहीं पर हैं। चंद्रमा की बात करते हैं तो मेष राशि में 19 डिग्री के हैं चंद्रमा, और ये रहेंगे राहु के साथ, और 19 डिग्री के चंद्रमा, 19 डिग्री के राहु, एकदम कंजेशन है, सॉलिड कंजेशन है। तो आपने ये सोचिए, इसीलिए ग्रहण ग्रस्त तो हुआ है पूरी तरह से। हम कहते हैं ना, ग्रहण की बात करते हैं तो बिल्कुल नज़दीक की डिग्री का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। मंगल की बात करते हैं तो 1 डिग्री के हैं, मिथुन राशि में रहेंगे,
बुध रहेंगे तुला राशि में 21 डिग्री के हैं, नीच के सूर्य के साथ हैं, अस्त शुक्र भी हैं और केतु भी हैं साथ में। गुरु 5 डिग्री हैं, रेट्रो हैं, स्वराशि मीन राशि रहेगी। शुक्र तुला राशि में है, 26 डिग्री के हैं, अस्त हैं, नीच के सूर्य के साथ और केतु के साथ रहेंगे और बुध भी वहीं पर हैं। शनि मकर राशि में रहेंगे, रेट्रो हैं, 25 डिग्री के हैं, राहु मेष राशि में है, 19 डिग्री के हैं, रेट्रो हैं और राहु के साथ आपको पता है आज चंद्रमा भी है, तो ये दोनों के कंजेशन ही एक ग्रहण योग बना रही है। और केतु की बात करते हैं तो तुला राशि में है, रेट्रो हैं, 19 डिग्री के हैं, नीच के सूर्य के साथ, अस्त शुक्र के साथ और बुध के साथ रहेंगे। कल है 9 नवंबर, कल का लकी अक्षर डेफिनेटली बताएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे हम आप ही की राशियों की। पहली राशि एरीज यानी मेष राशि। अपने जीवन साथी के साथ आज के दिन झूठ ना बोलें, गलत संगति आपको फंसा सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैरून, मैरून रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, परिवार में चल रहा मन मुटाव समाप्त होगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम, क्रीम रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं, नया काम शुरू करने के लिए अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, ये विचार थोड़ा सा टाल सके तो आज का दिन तो खास करके टाल दीजिए। पैसे की डील अगर करने जा रहे हैं बेहद ज़रूरी है तो मुहूर्त देख लीजिए और बहुत ही अच्छे से ध्यान से गिन करके पैसा दीजिए। दोस्तों के ऊपर अति विश्वास से बचिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे, ग्रे रंग का इस्तेमाल आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात कर लेते हैं, असहाय लोगों की सेवा करें, दिखावे से नुकसान हो सकता है, माता जी के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला, काले रंग का इस्तेमाल आप चाहें कर सकते हैं। कर्क राशि की जब मैंने बात की है तो कर्क राशि के ही स्वामी चंद्रमा है, तो ज़रा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि चंद्र ग्रहण ही है इस बार। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, शक के चलते रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं, माता जी से दूरियां बढ़ सकती हैं, धन के लेन देन में सावधानी रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन, बुरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या की बात कर लेते हैं, अपनी वाणी के ऊपर खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है, पूजा पाठ अवश्य करें और खूब सारे मंत्र चैंट का जाप तो आज के दिन ज़रूर कीजिएगा। पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद आज के दिन जरूर लें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी, जामुनी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। लिब्रा की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम आपके लकी विजेता की, यानी लकी विजेता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी कुंडली आज के दिन देखी जाएगी। लकी विजेता है अपर्णा शर्मा, अपर्णा शर्मा जी जुड़ चुके हैं कठुआ से, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 05/07/1993, 04:45 AM कठुआ, JNK का जन्म है इनका। जॉब कब लगेगी या फिर मेडिकल लाइन में लैब टेक्नीशियन, चलिए पूरा अगर क्लियर आप आंसर लिखते हैं ना, क्वेश्चंस लिखते हैं तो आंसर बहुत अच्छा इजी हो जाता है हमारे। जॉब कब लगेगी, सबसे पहले ये टेक्नीशियंस की मेडिकल लाइन में है इनका जो रुझान। अच्छा, बुध लग्न की कुंडली यानी इनकी मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और राशि बनती है इनकी मकर राशि, मकर राशि राहु की महादशा है और बुध की अंतरदशा चल रही है, और उसमें भी अगर हम प्रतंत्र दशा की बात करते हैं तो उसमें बुध की ही प्रतंत्र दशा भी चल रही है। जॉब कब लगेगी, जॉब के भाव का स्वामी बैठा हुआ तो अच्छी जगह पे है। 2023 में सितंबर अक्टूबर में इनकी जॉब का बड़ा चेंजेस होता है, अभी वैसे जॉब तो लग जाएगी, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लगेगी, लेकिन उस समय एक ड्रास्टिक बड़ा चेंज होगा जहां आपको कोई बड़ा फायदा बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, कोई एक अच्छी आपके मन मुताबिक जॉब जो है वो लग सकती है। फील्ड आपका ठीक है, आप इस फील्ड में कंटिन्यू काम कर सकते हैं, आपको लाभ भी होगा, लेकिन आपको एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना है, ये करना है कि हर शनिवार को आपने कबूतरों को बाजरा डालते रहना और सूर्य को जल देना है, ये दो काम आप कंटिन्यू रखिएगा। और एक बुध का रत्न आता है पन्ना रत्न, इसे पहन करके रखिए, 8.25 रत्ती का ही पन्ना पहनिएगा
और ऐसा अगर थोड़ा सा छोटा पहना जाता है तो 7.5 रत्ती पहन सकते हैं, इससे नीचे ना जाए। 7.5 रत्ती या 8.25 रत्ती, ये दोनों जो है आप पन्ने जो है इस इतने वज़न के पन्ने जिसे हम कहते हैं वो पहन सकते हैं, लेकिन आप इसे चांदी में भी पहन सकते हैं और गोल्ड में भी पहन सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके लिए सूटेबल सही रहेगी। और आपकी जॉब 23 में ज़्यादा बेटर एक अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, फिलहाल भी आपकी जॉब के चांसेस हैं बट वहाँ एक बड़े चेंजेस के चांसेस हैं। सो गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप हमारे लकी विजेता बने हैं। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा और भी लोगों को बताइएगा इस चैनल के बारे में, ताकि और लोग भी अपनी कुंडली दिखा सकें। अब बात करते हैं अगली राशि यानी लिब्रा की, तुला राशि की। हर किसी के ऊपर शक ना करें, धन का निवेश अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर करना ही है आपको, नहीं करें तो टाल सके तो बहुत ही अच्छी बात है, ग्रहण का समय है, लेकिन फिर भी अगर करना चाहें तो आपको नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और ज़्यादा अटेंटिव होने का कंसर्न है कि अगर आप बड़ों की सलाह ले लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लंबी यात्रा आज के दिन टाल दें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला, काले रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, दूर यात्रा के पूरे पूरे योग हैं, नौकरी में बदलाव की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, बच्चों की बातों को नज़रअंदाज ना करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद, सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात कर लेते हैं, रुका हुआ पैसा वापस आपका मिल सकता है, बच्चों के साथ बहस ना करें, किसी से झूठा वादा ना करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला, पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं, अनजान व्यक्ति आपको अचानक धोखा दे सकता है, किसी भी तरह का लालच आपको खतरे की तरफ ही लेकर के जा सकता है, गाड़ी सावधानी से चलाएं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए फिरोजी, फिरोजी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, पूजा पाठ में अपना समय जरूर व्यतीत करें, और आज के दिन तो वैसे भी चंद्र ग्रहण है, ऐसे में आप जितना मंत्र चैंट करें उतना ही आपको लाभ मिल सकता है। स्टूडेंट्स आप खास करके उस पढ़ाई को ज़रूर कीजिए जिससे आपको फोबिया है या डर लगता है, उस सब्जेक्ट की पढ़ाई आज के दिन चंद्र ग्रहण के दौरान ज़रूर कीजिएगा। अचानक धन कमाने के आप सभी को रास्ते मिल सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी, नारंगी रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन, अपने खर्च के ऊपर खास करके कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नशे की लत से एकदम दूरी बना करके रखें, दोस्ती में समय हद से ज़्यादा बर्बाद ना करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी, गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कल है 9 नवंबर और बुधवार का दिन है, आपका लकी अक्षर बनता है र अक्षर, र अक्षर का प्रयोग आपने कल के दिन करना है। हरी इलायची लेनी है, उसे पीस लेना है, उसके दाने अलग कर लेने हैं, जो उसकी कैप ऊपर का कवर होता है उसे पीसना है, अच्छे से पीस करके उसमें जल मिला लीजिए, जल मिला करके उसी से ही आपने अक्षर लिखना है। किसी भी कागज़ को, सफ़ेद कागज़ को लीजिए, लेकिन वो कागज़ लाइन वाला कागज़ ना हो, ध्यान रखिएगा, एकदम प्लेन कागज़ हो, उसके ऊपर इस अक्षर को लिखिएगा, छोटा सा टुकड़ा बना लीजिए और उसे आप फोल्ड करके अपने साथ रखें, दिन भर अपने साथ रखें, अगली सुबह आपने नहा धो करके इसी तुलसी के पेड़ पौधे की जड़ में ही रख देना है। दिन भर आपकी एनर्जी बनी रहेगी, अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और साथ के साथ अच्छे अच्छे काम भी बनेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और कल सुबह 6 बजे फिर से हाजिर होंगे आप ही के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।